उन्नाव में एनकाउंटर में एक बदमाश अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया गया था। आज गाजीपुर एनकाउंटर हुआ है जिसमें बिहार का एक शराब तस्कर मारा गया है। यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जिस शराब तस्कर का एनकाउंटर हुआ उसका नाम मोहम्मद जाहिद है। इसके पिछले कई दिनों से पुलिस को तलाश थी। मोहम्मद जाहिद पर बाड़मेर एक्सप्रेस में आरपीएफ के दो जवानों की हत्या का आरोप है। यूपी पुलिस ने मोहम्मद जाहिद पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वो पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। दरअसल 19-20 अगस्त की रात को बाड़मेर एक्सप्रेस में शराब तस्करों ने आरपीएफ के दो जवानों की हत्या कर दी थी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। इसी मामले में पुलिस को मोहम्मद जाहिद की तलाश थी। इस मामले में पुलिस ने पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाड़मेर एक्सप्रेस में 2 आरपीएफ जवानों की हत्याकांड के मामले में यह पहला एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए थे, लेकिन पहले के दोनों एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर थे, यानी कि पिछले दोनों एनकाउंटर में आरोपी मारे नहीं गए थे, उनके पांव पर गोली लगी थी। गाजीपुर में पिछले 2 दिनों में 2 एनकाउंटर हुए हैं। 21 सितंबर को एनकाउंटर में रवि नाम के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रवि पर 50,000 का इनाम था। रवि भी बिहार के भोजपुर जिला का रहने वाला है। आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में पुलिस को रवि की भी तलाश थी, जिसे एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब आज एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें मोहम्मद जाहिद मारा गया है। मोहम्मद जाहिद 1,00,000 का इनामी था। इसकी भी आरपीएफ हत्याकांड में तलाश जारी थी। दरअसल पिछले महीने की 19-20 तारीख को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में शराब तस्करों ने आरपीएफ के 2 जवान प्रमोद और जावेद की हत्या कर दी थी। इन दोनों जवानों ने शराब तस्करी को रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद शराब तस्करों ने दोनों की हत्या कर दी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोहम्मद जाहिद ने जवानों की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन किया। 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, जिसमें 2 आरपीएफ के जवान प्रमोद और जावेद दोनों की बहुत ही नृशंस तरीके से शराब तस्करों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने के उपरांत उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। ये घटना थाना गहमर क्षेत्र में हुई थी। तब से ही लगातार एसटीएफ और हमारी जनपद की पुलिस एवं जीआरपी सभी लोग संयुक्त रूप से इस पूरे गैंग पर काम कर रहे थे। इनके 4 लोगों को पहले पूर्व में जेल भेजा गया था, जिसमें एक के साथ मुठभेड़ के उपरांत घायल हुआ था। इसके बाद एक व्यक्ति और भेजा गया और अभी हाल ही में एक 50,000 इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि इसी में 1,00,000 का एक इनामी है, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है। और आज इसके मूवमेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जब इसके मूवमेंट को ट्रेस करके पुलिस संयुक्त रूप से पुलिस एसटीएफ यूनिट और जब यहाँ पर पहुँची तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें 2 हमारे जवान घायल हुए हैं और जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी और अधिक रक्त बह जाने के कारण जब सबसे पहले इसको सीएससी पहुँचाया गया तो वहाँ से इसको अधिक रक्त बहने के कारण इसको फौरन रेफर किया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचने तक डॉक्टर्स ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है।